भारतीय राजनीति और राजनीतिज्ञों की जब जब बात होगी और खासकर बिहार के हाजीपुर संसदीय सीट की, तब तब रामविलास पासवान की भी बात होगी। हाजीपुर संसदीय सीट से सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीतने में रामविलास पासवान ही सफल रहे हैं। रामविलास पासवान से पहले इस सीट से एनसीओ के दिग्विजय नारायण सिंह 1971 में चुनाव जीते थे, तब उन्हें लगभग 36% वोट मिले थे। लेकिन 1977 में इस सीट से चुनाव लड़े बीएलडी के रामविलास पासवान को लगभग 89% वोट मिले थे। तब उनके खिलाफ चुनाव लड़े कांग्रेस के बलेश्वर राम को केवल 8% ही वोट मिले थे। यानी रामविलास पासवान पहली बार ही हाजीपुर लोकसभा सीट के कुल मतदान हुए 6,86,969 मतों में से 4,69,007 वोट प्राप्त कर भारतीय लोकसभा में बैठने के साथ साथ एक चर्चित लोकप्रिय सांसद बन गए। लेकिन 1980 का लोकसभा चुनाव रामविलास पासवान जेएनपीएस के टिकट पर लड़े, वे इस बार भी जीतने में सफल रहे, मगर रामविलास पासवान के वोटों की प्रतिशत घट चुकी थी और वह लगभग 57% हो गई। जबकि 1984 के चुनाव में जब वे फिर पार्टी बदलकर और एलकेडी से चुनाव लड़े, तब उन्हें कांग्रेस के राम रतन राम से चुनाव में हारना भी पड़ा। दोनों के बीच लगभग 9% मतों का अंतर रहा। लेकिन 1989 में जनता दल के टिकट पर रामविलास पासवान फिर से यहां रिकॉर्ड मतों से जीतने में सफल रहे। तब उन्हें 6,15,129 यानी कुल लगभग 84% वोट मिले। इसके बाद 1991 में इस सीट से जनता दल के रामसुंदर दास चुनाव जीते, जबकि जनता दल के टिकट पर ही 1996 और 1998 में रामविलास पासवान यहां से फिर से चुनाव जीते थे। लेकिन 1999 में रामविलास पासवान जदयू से यहां का चुनाव जीते। 2004 में रामविलास पासवान पहली बार एलजेपी से यहां से चुनाव जीते। लेकिन 2009 में एलजेपी के रामविलास पासवान को जदयू के रामसुंदर दास से हार का सामना करना पड़ा। 2014 में हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान एलजेपी से अंतिम बार चुनाव जीतकर 2019 में यह सीट अपने भाई पशुपति कुमार पारस के नाम कर गए। अब यहां से एलजेपी के पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे शेयर करना भी न भूलें। आप देखते रहें भोला भाई लाइव।